सोलन में कोरोना की दहशत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज भी एक व्यक्ति जिसका नाम राम सिंह है, वे दुबई से आया है। उसने अस्पताल प्रशासन को जानकारी दी है कि उसे खांसी, जुकाम और बुखार भी आया है। इस व्यक्ति में बेसभी लक्षण हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित रोगी में होते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने अचानक हड़कंप मच गया और उस व्यक्ति को तुरंत पृथक वार्ड में रख दिया गया। फिलहाल उस व्यक्ति के आवश्यक टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे ये पता चल सकेगा कि आखिर राम सिंह को कोरोना है या नहीं। सोलन में कोरोना की दहशत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज भी एक व्यक्ति जिसका नाम राम सिंह है, वे दुबई से आया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जानकारी दी कि उसे खांसी, जुकाम और बुखार भी चढ़ रहा है। इस व्यक्ति में वे सभी लक्षण हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित रोगी में होते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में अचानक हड़कंप मच गया और उस व्यक्ति को तुरंत पृथक वार्ड में रख दिया गया। फिलहाल उस व्यक्ति के आवश्यक टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनसे ये पता चल सकेगा कि आखिर राम सिंह को कोरोना है या नहीं। इस मामले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने पुष्टि करते हुए कहा कि दुबई से एक व्यक्ति अस्पताल में आया है, जिसने बताया कि उसे खांसी बुखार है। उसे और मरीजों से दूर वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। उसकी आवश्यक जाँच की जा रही है। जो भी सावधानियाँ रखनी चाहिए वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखी जा रही है। हमारी कैजुअल्टी रीजनल हॉस्पिटल सोलन में अभी थोड़ी देर पहले एक मरीज आया है जो 58 साल की उम्र है और मेल है, और वो 5 तारीख के अराउंड इंडिया में दुबई से आया था और कल से उसको खांसी बुखार वगैरह है। तो हमने उनको तुरंत संदिग्ध देखते हुए अपने कैजुअल्टी अपने आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया है। तो जो यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर कमल, वो उनकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। नहीं, इनके ब्लड सैंपल्स वगैरह जाएंगे और जो रिपोर्ट आएगी हम आपसे शेयर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।